बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने रविवार को मध्य प्रदेश के जबलपुर में कांग्रेस पर जमकर हमला बोला उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पंडित नहीं थे उन्हें सिर्फ जवाहरलाल कहना ही ठीक होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पंडित थे डॉक्टर सुब्रमण्यम पत्रकारिता समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर संबोधित कर रहे थे उन्होंने दावा किया कि नेहरू कैम्ब्रिज पढ़ने गए तो फेल हो गए अम्बेडकर डिग्री लेकर आए थे उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता सोनिया गांधी भी कभी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पड़ी नहीं है जबकि उन्होंने यहाँ से डिग्री लेने का दावा किया था कांग्रेस ने हमेशा भाजपा पर अम्बेडकर और सरदार पटेल को अपना बनाने का आरोप लगाया है वो इसलिए क्योंकि कांग्रेस ने कभी इन्हें अपनाया ही नहीं उन्होंने इमरजेंसी को लेकर कहा कि इंदिरा गांधी उस वक्त खुद को रानी के तौर पर स्थापित करना चाहते थे वही संजय गांधी को राजा संविधान में बदलाव की तैयारी भी हुई लेकिन मूल संविधान के ढांचे में बदलाव संभव नहीं हुआ राजनीति में आने के बाद मुझे दबाने के लिए कई केस लगाए गए लेकिन मैं सही था इसलिए किस जीत गया डॉक्टर स्वामी ने पत्रकारों को भी कहा कि दुनिया संस्कृत को अपना रही है नासा ने भी माना है कि संस्कृत बोलने और पढ़ने से उच्चारण शुद्ध और दिमाग तेज होता है उन्होंने कहा कि पत्रकारों को भी हमारी संस्कृति की समझ विकसित करनी चाहिए इसी के बाद वो जनता को मूल खबर दे पाएंगे डॉक्टर स्वामी ने कहा कि ये गलत है कि मीडिया और समाचार चैनलों के पास अलग से आजादी है वे कुछ भी लिख सकते हैं और दिखा सकते हैं ऐसा नहीं है संविधान के दायरे में सरकार के पास इन पर अंकुश लगाने का अधिकार भी है तो इन सभी पर डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने जो कुछ भी कहा कि आप इससे सहमत हैं। अगर सहमत हैं, तो अपनी राय कमेंट में जरूर रखें तो मिलते हैं अगले वीडियो में